Identifiers are the names given to different parts of program like variables, objects, classes, functions, etc. तो identifiers क्या होते हैं? Program के different parts में जो variable declare करते हो, objects के नाम है, class का नाम है, function का नाम है, जब हम इन सभी में से किसी का भी जो नाम program में देते हैं, वो सभी identifiers हैं। आइडेंटिफायर्स मतलब ऑब्जेक्ट को आप किस नाम से पहचानते हो, क्लास को किस नाम से डिक्लेयर करोगे, फंक्शन किस नाम से आपने डिफाइन किया है और वेरिएबल को किस नेम से डिफाइन किया है, ये सभी आइडेंटिफायर्स हैं। आइडेंटिफायर मीन्स आइडेंटिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शंस और वेरिएबल। आइडेंटिफायर्स फॉर्मिंग रूल्स ऑफ पाइथन आर, यहाँ पर आइडेंटिफायर्स बनाने के कुछ नियम हैं। कोई भी वर्ड आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है अगर वो किसी भी नियम को वायलेट कर देता है। तो क्या नियम है जो कि आइडेंटिफायर बनाने के लिए जरूरी हैं? इज एन आर्बिट्ररी लॉन्ग सिक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। आइडेंटिफायर्स में आप कितनी भी बड़ी लेटर्स और डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडर स्कोर, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो लेटर या अंडर स्कोर ही होना चाहिए। आप उसमें डिजिट नहीं यूज कर सकते हो, फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं हो सकता है, बीच में या लास्ट में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडेंटिफायर का नाम अंडर स्कोर से भी शुरू हो सकता है। हम अपर एंड लोअर केस आर डिफरेंट। अगर आप सेम वर्ड आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हो अपर में और लोअर में, तो वो दोनों ही आइडेंटिफायर्स अलग अलग माने जाएंगे, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। द डिजिट्स 0 to 9 आर अलाउड एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट कैरेक्टर्स। किसी भी आइडेंटिफायर में आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें फर्स्ट डिजिट नहीं होनी चाहिए किसी भी आइडेंटिफायर में। इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। आप कीवर्ड की लिस्ट को जरूर याद रखें। कोई भी कीवर्ड एक आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। No special characters are allowed other than underscore is allowed. तो अगर हम special character की बात करें तो केवल आप underscore ही इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी identifier में। कोई भी special symbol जैसे कि at, plus, minus, dollar, space जैसे symbols इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। Symbol space are not allowed. किसी भी identifier में space allowed नहीं है। द फॉलोइंग आर सम वैलिड आइडेंटिफायर्स। तो हम कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स की बात करेंगे। ग्रेड पे वैलिड आइडेंटिफायर है बिकॉज इसमें ओनली कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं। कैपिटल अलाउड है इसलिए ग्रेड पे एक वैलिड आइडेंटिफायर है। फाइल 12 2018 एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया गया है और फर्स्ट कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं है। ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है, इसमें कैपिटल और डिजिट इस्तेमाल की गई है। ग्रेड पे अंडरस्कोर से भी आइडेंटिफायर शुरू हो सकता है। टू अपडेट ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है बिकॉज ये अंडरस्कोर से शुरू हुआ है। द फॉलोइंग आर सम इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, उनका रीजन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ग्रेड पे एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है बिकॉज इसमें हाइफन जो कि एक स्पेशल सिंबल है उसका इस्तेमाल किया गया है। 12 underscore 2018 underscore file एक invalid identifier है because ये identifier एक digit से शुरू हुआ है। $James007 एक invalid identifier है because ये जो है special symbol से शुरू हुआ है। If एक invalid identifier है because if एक identifier because इसमें special symbol dot का इस्तेमाल किया गया है। Roll number एक invalid identifier है because इसमें जो स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। तो ये थी इनवैलिड आइडेंटिफायर्स की लिस्ट विथ रीजन। अब हम बात करेंगे लेटर्स और वैल्यूज की। तो पाइथन में जो भी वैल्यूज आप इस्तेमाल करेंगे, असाइन करेंगे, वो वैल्यूज लेटर्स कहलाते हैं। लेटर्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। पाइथन सपोर्ट्स सेवरल काइंड्स ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स वैल्यूज हैं जो भी आप वेरिएबल में असाइन करते हो, ये डेटा आइटम्स होते हैं। तो लिटल्स कई प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार का डेटा टाइप होगा उसी तरह की वैल्यू आप उसमें असाइन करेंगे और ये उसी के आधार पर लिटल्स कई तरह के होते हैं, जैसे स्ट्रिंग लिटल, न्यूमेरिक लिटल, बूलियन लिटल, स्पेशल लिटल, नन लिटल कलेक्शंस। स्ट्रिंग लिटल्स की बात करेंगे, इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स
enclosed in double or single quotes. It can be either single line strings or multi line strings. तो string letters ये words होते हैं, numbers भी होते हैं, लेकिन इसको आप single quote या double quote से जरूर close करें. Single line string भी हो सकती है और multi line string भी हो सकती है. Single line string must terminate in one line, that is the closing quote should be on the same line as that of the opening quotes. Single line जैसा कि नाम ही है, ये one line में terminate हो जाना चाहिए. Examples of string literals. तो string literals का हम कुछ example आपके सामने दे रहे हैं. जैसे Python double quote में close कर दिया गया है, MongoDB 1 2 3 4 5 6 एक string literal है because इसको single quote से close किया गया है. Hello, how are you, dollar, four, double at, ये सभी string literals के examples हैं. आप string literals में देखेंगे सभी single quote या double quote से close कर दिए गए हैं. In Python, both single characters or multiple characters enclosed in quotes such as double quote, single quote, like that. तो Python में कोई भी single character हो या multiple characters हो, उसको आप single quote या double quote से close करेंगे, तभी वो string literal के रूप में treat किया जाएगा. String literals की बात करेंगे, multi-line strings. To store multiple और मल्टी लाइन स्ट्रिंग पाइथन प्रोवाइड्स टू वेज. अगर आप बहुत बड़े सेंटेंस स्टोर करना चाहते हैं तो वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंतर्गत आएंगे. बाई एडिंग अ बैक स्लैश एट द एंड ऑफ नॉर्मल सिंगल डबल कोटेड स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल नेम. आप नेम असाइन कर रहे हो, जैसे कि 1/6 स्मॉल रोड, और नेक्स्ट लाइन जो है आपको टाइप करनी है, तो आप ये फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में टाइप करने के लिए. तो इस प्रकार से मल्टी लाइन जो स्ट्रिंग है आप क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में. नेम 1/6 स्मॉल रोड कानपुर, जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, एक ही लाइन में दिखेगा. बाई टाइपिंग टेक्स्ट इन ट्रिपल कोटेशन मार्क्स, अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करना चाहते हैं और फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी है. जैसे कि एड्रेस एक वेरिएबल है, इसमें आप वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं 1/7 प्रीत विहार न्यू दिल्ली इंडिया, तो आप ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करें, एंटर प्रेस करें न्यू दिल्ली, फिर एंटर प्रेस करें और इसके बाद इंडिया. तो इसके इससे आप जो है वैसे हम तो इस प्रकार से ट्रिपल कोट का इस्तेमाल मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए किया जा सकता है. जो आप एड्रेस को प्रिंट करेंगे तो इस तरह से एड्रेस प्रिंट हो जाएगा. लिस्ट ऑफ एस्केप कैरेक्टर्स, अब हम एस्केप कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं. इस्तेमाल किए जाते हैं, ये प्रिंट नहीं होते हैं, ये इंडिविजुअल होते हैं. जैसे कि एस्केप तो ये प्रिंट करता है, ये फॉरवर्ड स्लैश सिंगल कोट की बात करें तो ये सिंगल कोट प्रिंट करेगा, फॉरवर्ड स्लैश डबल कोट की बात करें तो ये डबल कोट प्रिंट करेगा. स्लैश से एस की बेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है, सीपीयू से साउंड प्रोड्यूस होता है. स्लैश बी बैक पैक्स बैक स्पेस के लिए, स्लैश से न्यू लाइन के लिए बहुत मोस्ट पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज होता है स्लैश इन न्यू लाइन के लिए, तो इसको आप ध्यान रखें. स्लैश आर कैरेज रिटर्न के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्लैश यू 4x हेक्साडेसिमल वैल्यू 16 बिट के लिए इस्तेमाल होता है. हेक्साडेसिमल वैल्यू 32 बिट में आपको देना है तो स्लैश यू 4x का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉरवर्ड स्लैश वी वर्टिकल टैप के लिए इस्तेमाल होता है, और स्लैश 3x o ऑक्टल वैल्यू के लिए इस्तेमाल होते हैं. अब साइज ऑफ स्ट्रिंग की बात करेंगे कि अगर आप किसी भी स्ट्रिंग की साइज निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें. पाइथन डिटरमाइंस द साइज ऑफ स्ट्रिंग एज द काउंट ऑफ करेक्टर्स इन दी स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ स्ट्रिंग xyz is 3. तो साइज ऑफ स्ट्रिंग से मतलब है इस किसी भी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं. तो एक्स वाई जेड में 3 कैरेक्टर्स हैं, वेलकम में 7 कैरेक्टर्स हैं. बट इफ योर स्ट्रिंग लिटरल हैज एन एस्केप सीक्वेंस कंटेंड इन इट, देन मेक श्योर टू काउंट द एस्केप सीक्वेंस एज वन कैरेक्टर. अगर एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया गया है तो वो वन कैरेक्टर के रूप में काउंट होगा. जैसे कि डबल स्लैश
वन इसका साइज होगा, ए बी सी का साइज 3 है, स्लैश ए बी का साइज 2 है, और बिकॉज स्लैश ए जो है ऑडिबल है तो उसका वन काउंटिंग होगा। मीरा स्लैश कॉमा एस टॉय तो इसमें एस काउंट होगा और ये सिंगल कोड की भी काउंटिंग हो जाएगी। विकी कॉमा एस जो है इसको भी वन कैरेक्टर के रूप में काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो सिंगल कोट यहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग के साइज निकाल सकते हैं। यू कैन चेक दिस साइज यूजिंग लेन फंक्शन ऑफ पाइथन, फॉर एग्जाम्पल लेन ए बी सी। तो किसी भी स्ट्रिंग की साइज निकालने के लिए इनबिल्ट फंक्शन लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ए बी सी लेन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो ये 3 इसकी साइज प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ेंगे न्यूमेरिक लिटरल्स।